अब्बू, एक शब्द में कहूँ तो मेरी कायनात, एक वाक्य में जिंदगी धूप तुम घना साया। जिंदगी जब कभी बहुत थका देती है और हांफते हुए कहीं एक बेंच देखकर जब आप बैठकर एक राहत भरी सांस लेते हैं, बस वही राहत अब्बू है ना। अब्बू मेरी कायनात इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने मेरी ख्वाहिशात को कभी दूसरों की ज़रूरतों से ऊपर नहीं रखा। आपका परिवार अगर कुछ समय के लिए परेशान है तो कोई बात नहीं, मगर वो व्यक्ति कभी निराश नहीं होना चाहिए जिसने आपसे जाने अनजाने में अपनी उम्मीदें लगा रखी हैं। रिश्ते कभी भी दो तरफा निभाए नहीं जा सकते। अगर रिश्तों को निभाना है तो फिर इन्हें एक तरफा निभाने की हिम्मत रखिए। ऐसे कठिन वाक्य को जिन्होंने न केवल हमें बोलना सिखाया बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर अमल करके साबित किया, वो अब्बू। अंत में, अब्बू मेरे आइडियल इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उन जैसे पिता नहीं देखे, बल्कि इसलिए है क्योंकि मैंने उन जैसा इंसान ही नहीं देखा।